एक लड़की एक मिस्टीरियस आदमी से मिली और इनके बीच में एक्सट्रीम इंटीमेसी थी। वो उसके साथ गेम्स खेलता था, पर इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 9.5 वीक्स 1986 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को देखते हैं। एक आर्ट गैलरी में काम करती है। इनके ऑफिस में आर्ट का एग्जीबिशन था। इसके पार्टी के लिए चिकन को बाय करने के लिए एक शॉप में आए। इस शॉप में एक आदमी उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था। एलिजाबेथ उसे इग्नोर कर देती है। तभी उसके पीछे जॉन आया। जॉन बहुत ही हैंडसम है। एलिजाबेथ ने उसे देखा और उसे बहुत ही अट्रैक्टेड थे। जॉन को भी एलिजाबेथ अच्छी लगी। उसने स्माइल किया और वहाँ से चला गया। रास्ते से जाते वक्त एलिजाबेथ जॉन को एक रेस्टोरेंट में देखती है। रात में डिनर पर ये सब कलीग एक आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद अगले दिन एलिजाबेथ एक मार्केट में थी। यहाँ पर उसे एक शॉल बहुत पसंद आई। ये $300 की थी, इसलिए वो बाय नहीं करती। आगे चलकर एक चिकन का टॉय उसे देखा जो उसे बहुत पसंद आता। ये वो बाय कर रही थी तभी जॉन ने उसे देख लिया। उसके पास आ गया, कहता है, हम जब भी मिलते हैं तुम चिकन ही बाय करती रहती हो। एलिजाबेथ सुनती नहीं तो कहता है, तुम मुझे देखकर स्माइल कर रही हो। इसके बाद उसे डेट के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। वो कहता है, इस प्लेस की बहुत सारी हिस्ट्री है। बहुत सारे गैंगस्टर यहाँ डिनर के लिए आया करते थे। आज भी यहाँ एक गैंगस्टर आया हुआ था। जॉन ने उसे एलिजाबेथ को दिखाया। इसके बाद एलिजाबेथ को जो उसका पसंद आया था ये जॉन ने बाय कर लिया है। उसे वो गिफ्ट देता है। खुद उसने उसे पहना दिया। इसके बाद चलते चलते रिवर के पास एक हाउस में आए। यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जान लेते हैं। जॉन कहता है, मैं पैसे बेचता और सेल करता हूँ, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में काम करता है। जॉन ने एलिजाबेथ से कहा, यहाँ तुम मेरे साथ अकेली आई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तुम कॉल कर सको, इसलिए टेलीफोन बूथ भी नहीं। ये बात सुनकर एलिजाबेथ सचमुच में डर के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये दोनों फिर से डेट पर आए। जॉन उसे फेरिस व्हील पर बिठाता है और नीचे ही नहीं लाता। एलिजाबेथ बहुत गुस्सा थी, उसे बहुत मारती है। इसके बाद ये एलिजाबेथ के घर पर आए। एलिजाबेथ को उसके एक्स का कॉल आया हुआ था। वो 3 साल तक मैरिड थे, पर उसने एलिजाबेथ को छोड़ा था और अब वही उसे मिस करता है। जॉन को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध सकता हूँ? एलिजाबेथ ने उसे ना नहीं कहा। वो डर रही थी पर फिर भी ये सब करने के लिए रेडी थी। ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वे फिर से मिले तो जॉन एलिजाबेथ को उसके घर पर लेकर आता है। उसने उसे एक वॉच गिफ्ट दी। वो कहता है, जब भी 12 बजेंगे तब इमेजिन करना कि मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ, या तुम्हें करोगी? एलिजाबेथ इसके लिए हाँ कहती है। जब एलिजाबेथ काम पर थी तो अपने प्रोजेक्टर पर उसे आर्ट देखना था। जब 12 बजे तो उसे जॉन की याद आती है। यहीं पर उसे इमेजिन कर वो अपने आप को प्लीज करती है। जब ये दोनों फिर से एक साथ थे तो जॉन एलिजाबेथ से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? एलिजाबेथ कहती कि हाँ। जॉन को कुक करना अच्छा लगता है। वो कुक कर रहा था तभी एलिजाबेथ को कहता है, यहाँ वह नीचे सो जाओ। फ्रिज से एक एक चीज निकाल कर खुद अपने हाथों से खिलाता है। इसी तरीके से एक दूसरे के साथ खेलते हुए ये दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट डे जब एलिजाबेथ अपने काम पर थी तो इसकी एक अच्छी फ्रेंड उसे बात कर रही थी। उसे कहती है, मैं कल पार्टी में थी, तुम्हारा एक्स हस्बैंड मुझे मिला और हम दोनों इंटीमेट हो गए। उसने उसे सॉरी कहा। एलिजाबेथ ने कहा, तुम उसे डेट कर सकते हो, उसे इतना ज़्यादा अब प्रॉब्लम नहीं था। एलिजाबेथ भी अब रिलेशनशिप में है, वो मूव ऑन हो चुकी है। ये सब बातें वो अपने सब फ्रेंड्स को बताना चाहती थी। इसी वजह से उसने जॉन से बात की, कहा कि तुम मेरे साथ पार्टी में आना। जॉन इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो उससे कहता है, रात का टाइम सिर्फ मेरे लिए है, मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा, तुम्हें खाना खिलाऊँगा, तुम्हारी सारी चीज़ें सिर्फ मैं ही करूँगा। बात करते हुए ही जॉन को अपने काम से कॉल आ गया। एलिजाबेथ को घर पर अकेला छोड़कर वो चला जाता है। उसका वेट करते करते बोर हो रही थी तो उसकी सारी चीज़ें देखने लग जाती है। उसने जॉन के कबर्ड में देखा तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का यह फोटो था।
जॉन ने तभी घर पर कॉल कर दिया। वो कहता है कि मैं सोच रहा था तुम घर पर अकेली हो तो क्या कर रही होगी, क्या तुम मेरी चीजों को देख रही थी। वो कहती कि हाँ। इसके बाद वो घर पर आया। वो कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसने कहा कि वॉल को फेस करो। वो सचमुच में उसे पनिश करने वाला था, पर एलिजाबेथ इस पर गुस्सा हो जाती है। कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो। जॉन ने तुरंत उसे सॉरी कह दिया। उसके पास आकर इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर गया। उसे एक सूट ट्राई करने के लिए कहता है। उसने डायरेक्टली बाय कर लिया। एलिजाबेथ कहती है क्या तुम मुझसे पूछोगी भी नहीं कि मुझे अच्छा लगता है या नहीं। जॉन ने कहा कि मैं नहीं पूछने वाला। एलिजाबेथ जॉन की इस गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। उसे पूछती है या तुम अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स का इसी तरीके से ख्याल रखते थे। जॉन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही थी। ये अलग अलग डेट पर जाते और बहुत सारे मजे करते। एक दिन जॉन अपने हाथों से एलिजाबेथ को सूप पिला रहा था। एलिजाबेथ पूछती है तुमने मुझे क्यों चूज किया। वो कहता है मैंने तुम में अपने आप को देखा। आजकल एलिजाबेथ जॉन को फिगर आउट नहीं कर पाती। अपने फ्रेंड के साथ थी तो उसे कहती है हमेशा मुझे पता होता है कि क्या चीज़ होगी जिससे रिलेशनशिप एंड हो जाएगी। जॉन के साथ कुछ भी पता नहीं चलता। वो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप है। उसके बारे में और भी वो जानना चाहती थी। जब एक दिन वो काम पर जा रहा था तो उसका वो पीछा करती है। वो उसके ऑफिस में पहुंच गए। जॉन को भी उसे देखकर अच्छा लगा। उसे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। यहाँ भी सब लोगों के सामने उसे अपने हाथों से खिला रहा था। इनके आसपास वॉल स्ट्रीट के सब लोग थे। एलिजाबेथ ने कहा कि मैं वंडर करती हूँ तुम्हारी तरह होना कैसा होगा। अब यही उसकी विश कंप्लीट करने के लिए जॉन ने एलिजाबेथ के लिए कॉस्ट्यूम लाया। ये पहनकर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वो उसे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था। वो कहता है दिन रात हम बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के पास जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर से दिन भर बहुत मेहनत। पर मैं एक लड़की से मिला हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। मैं बिलीव नहीं कर पाता कि मैं उसके साथ हूँ। एलिजाबेथ को यह बहुत अच्छा लगा। ये दोनों स्ट्रीट से जा रहे थे तो एक गाड़ी की वजह से इन पर पानी गिर गया। एलिजाबेथ उन्हें गालियाँ देती है। उन लोगों ने सचमुच में गाड़ी रोक ली। उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहे थे। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते एक टनल में आए। जॉन उन लोगों को बहुत मारता है। इसके बाद यही इसी टनल में दोनों इंटीमेट हो गए। एक दिन ये फिर से शॉपिंग के लिए आए हुए थे। एलिजाबेथ को एक गोल्ड नेकलेस बहुत पसंद आया। जॉन ने कहा अगर तुम्हें अच्छा लगा तो डायरेक्टली ले लो। एलिजाबेथ डायरेक्टली अपनी पॉकेट में रख कर वहाँ से चली जाती है। सिर्फ थ्रिल के लिए ये सब चीज़ें वो कर रहे थे। इसके बाद ये बेड बाय करने के लिए आए। जॉन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ के सेल्समैन के सामने ही वो एलिजाबेथ को इस पर सोने के लिए कहता है। उसने सेल्समैन से बात की, कहा तुम्हें जो अच्छा लगे उसी तरीके का बेड चूज कर लेना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ सिर्फ एलिजाबेथ के साथ एडवेंचर के लिए आया हुआ था। इस बेड पर ही वो एलिजाबेथ को टच करने लगता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को स्टिक बाय करने के लिए लेकर आया। लोगों के सामने ही वो एलिजाबेथ को मार कर देखता है। ये लोग ये देखते ही रह गए थे। ये सब को यूज़ कर कर ये रात में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन था। एक ब्रिलियंट पेंटर के बारे में बात चल रही थी। वो आजकल इनके पास आता नहीं है तो एलिजाबेथ को जाकर खुद से उसे बात करनी पड़ती है। उसने उसे जाकर याद दिला दिया ये तुम्हारा एग्जीबिशन है। वो कहती है तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। पेंटर कहता है एक मूवमेंट बहुत ही फेमिलियर होता है पर फिर भी सबसे स्ट्रेंज, हम उसे समझ नहीं पाते। यही चीज़ एलिजाबेथ और जॉन के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ये मूवमेंट फेमिलियर तो है पर फिर भी उसे समझ नहीं पाती। एक दिन जॉन ने एलिजाबेथ से कहा मेरे लिए फ्लोर पर क्रॉल करो। उसे पैसे फेंक रहा था। एलिजाबेथ उसका सब कुछ मानना चाहती है। ये करने की कोशिश भी करती है पर उसे सही नहीं लगता। उसने उसे मना किया पर जॉन कैरेक्टर में था। वो कहता है तू मुझे मना नहीं कर सकती। वो उस पर चिल्लाने लग गया पर एलिजाबेथ रोने लग जाती है। जॉन ने उसे सॉरी कह दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस में थी तो अपने एक हस्बैंड को अपने फ्रेंड के साथ जाता हुआ देखा। जॉन एलिजाबेथ को कॉल करता है। उसने एक होटल का एड्रेस दिया जहाँ पर उसे मिलने के लिए बुला रहा था। होटल पर पहुँचने के बाद एलिजाबेथ को जॉन ने फिर से कॉल किया।
वो कहता है, मैंने ड्रॉवर में तुम्हें पहनने के लिए कुछ रखा हुआ है। एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस था। जॉन उसके पास आया, उसकी आंखों पर उसने पट्टी बांध दी। जॉन ने अपने साथ और एक लड़की को लाया हुआ था। ये लड़की एलिजाबेथ को टच करने लगती है। एलिजाबेथ को लगा कि शायद जॉन ही है। इसके बाद उसके सामने ही जॉन उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लग गया था। इस बात पर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई। जॉन को कल एलिजाबेथ ने मना किया था, तो उसका वे था उसे पनिश करने का। वो एलिजाबेथ को गुस्से में देखकर उसके पीछे भी जाता है, उसे उसने गले लगा लिया। आज रात एलिजाबेथ की पेंटिंग की एग्जीबिशन थी। आजकल उसके साथ जो भी हो रहा है, इस वजह से वो बहुत रोई। रात में वो जॉन के पास आई थी। सुबह होने पर डिस्टर्ब होकर यहाँ से वो जा रही थी। जॉन समझ गया कि शायद ही वापस नहीं आएगी। उसके पास आता है। जॉन अपने बारे में एलिजाबेथ को कुछ भी बताता नहीं था। अब वो उसे बताने लग जाता है। वो एक छोटे से टाउन से आता है। उसे 5 ब्रदर और सिस्टर्स थे। उसने अपने आप को बहुत काबिल बनाया था, इसी वजह से आज वो मिलियनेयर है। एलिजाबेथ कहती है कि अब बहुत ही लेट हो चुका, उसने उसके साथ जो भी किया ये सब गलत था। वो कहती है कि मुझे पता था कि हम दोनों की रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती है, पर ये बहुत दूर तक चली। जॉन कहता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, पर तुम्हारे साथ मैंने जो फील किया ये मैंने कभी भी फील नहीं किया था। प्लीज़ रुक जाओ। एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है। जॉन कहता है मैं 50 तक काउंट करूँगा। वो काउंट करता रहा। एलिजाबेथ भी मूडी, पर वो डिसाइड करती है कि उसे फिर से उसके पास वापस नहीं जाना। वो इस तरीके से हमेशा गेम्स नहीं खेल सकती है, और जॉन जिस तरीके से उसे ट्रीट करता है ये वो डिजर्व नहीं करती। वो खुद एक इंडिपेंडेंट लड़की है, इस तरीके से उसे कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। यही है, मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।